इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर वैसे तो पुराने शहर के तौर पर ही देखा जाता है, इस शहर को तालीम याफ्ता लोगों का शहर भी कहा जाता है। लिहाजा इस तरक्की की दौड़ धूप में किसी तरह रुपया पैसा कमाने की भूख न कहीं तो अपनापन होता देखा जा सकता है। और खास तौर पर बात की जाए तो पहले तहजीब अदब बड़ों का लिहाज खवातीन में शर्म हया कहीं तो जबरदस्त कमी और अखलाकी गिरावट को महसूस किया जा रहा है। यकीनन इल्म रोशनी है, इल्म के बगैर किसी समाज का किसी माशरे का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। कॉलेजेस में पढ़ने वालों की तादाद भी बहुत बढ़ चुकी है, हर कोई अपने बेटा बेटी को पढ़ाने लिखाने की कोशिश तो कर रहा है पर इन पर अपना यानी वालिदैन इन्हें अपने काबू में रखने में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। पर्दा बज़ाहिर पर्दा तो है, इसमें खौफ़े खुदा नजर नहीं आ रहा। लिहाजा अक्सर व बेशतर दुनिया परस्ती, हवस परस्ती या फैश कामों के नतीजे किसी गुनाह या जुर्म को जन्म देते हैं। बेलगाम शहर में पिछले कुछ दिनों में ऐसी वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। फैश हुरियानियत का बाजार गर्म हो चुका है, औरत का जेवर शर्म हया है, पर पिछले कुछ अरसे से बेशर्मी का मुजाहरा करने वाली वारदातें पेश आई जिससे वालिदैन और माशरा शर्मिंदा होता जा रहा है। कुछ मामले पेश आए जिनका नाम लेना अब मुनासिब नहीं समझता, पर मामले पुलिस तक पहुंच चुके हैं। नौजवान नशे के आदि हो रहे हैं तो लड़कियों में अक्सर बेहयाई पाई जा रही। पिछले हफ्ते अंजुमन हॉल में दीनी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ जिसमें भी शादी गलत रस्म रिवाज में बेताशा रुपया खर्च किया जा रहा है। तमाम के बावजूद शादियों का जश्न खुशी बहुत कम वक्त तक साबित हो जाता है। जब मालूम होता है कि लड़का या लड़की की शादी के बाद भी किसी गैर के साथ ताल्लुकात किसी और से है जो शादी से पहले भी थे, दौर फितर में अक्सर यह सुनने में मिलता है लड़का या लड़की के पहले से ही किसी और से आशिकाना ताल्लुक थे जिसे बाद में कायम रखा जाता है। नतीजे सभी को मालूम है कि मोहल्ले की जमात में बैठो फिर वही तलाक या खुलाक, कहने का मतलब आजाद ख्याली ने माशरे को कहीं का ना छोड़ा। यकीनन बेटियों को पढ़ाना चाहिए लेकिन पढ़ने के बहाने आजादी को महसूस कर खुली फिजाओं में सहेली के घर कभी पढ़ाई के बहाने गलत रास्तों को इख्तियार किया जाता है। वालिदैन अपनी लाडली या लाडले के तारीफ अपने रिश्तेदारों में करते रहते हैं, अपने बच्चों की शराफत के वाकये बतौर बड़प्पन पेश करते रहते हैं, जबकि पढ़ाई और सहेली के घर जाकर इल्म हुनर को बदनाम करने का काम लाडली अंजाम देती रहती है। और जब पता चलता है तो काफी वक्त हो चुका होता है। वालिदैन को चाहिए कि बेटी घर की इज्जत होती है, इस पर नजर रखना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। हम कयामत के आखिर दौर में जी रहे हैं, इसलिए इस पुरफितन दौर में बेटा या बेटी की तरबियत हमने किस कदर और किस हद तक की है इसका एहसास भी वालिदैन को होना चाहिए। कहने को बहुत आसान है मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, अफसर बनेगा। यकीनन बेटी है तो क्या किसी भी पेशे में उबूर हासिल करने पर किसी को पाबंदी नहीं है, पर क्या खौफ है खुदा हमने अपने बच्चों को सिखाया क्या गुनाह करने से पहले अल्लाह हमें देख रहा है का एहसास बचपन से ही हमने अपनी औलादों को दिया है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। और यही आज देखा जा रहा है अक्सर तलाक शादी के बाद या शादी के पहले आजादी के नाम पर बेहयाई और फैश कामों को बढ़ावा देना जाहिर है। तुम्हारा इल्म हासिल करना फितना ही साबित हो सकता है। और बेटा या बेटी पढ़े लिखे होने के बाद भी औलाद फितना साबित होती है जिसका तजुर्बा शायद तकरीबन घरों में हो रहा है। माशरा तबाह इसी से होता है, खासकर खवातीन या लड़कियों को लेकर हमने जो छूट दे रखी है खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं। अगर अक्सर और बेशतर माशरा इसी खुराफात में मुलविस हो रहा है तो कहां से इकामत दीन के लिए किसी को सोचने का वक्त होगा। पूरा माशरा बुराइयों में धस चुका है, अब तो बेहिस भी हो चुका है, इसका एहसास ही मर चुका है। सभी के पास दलीलें बहुत है, इल्म हासिल कर रहा है तो किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के साथ बहस मुबासा करने के लिए। जाहिर है दीनी रहनुमाओं से लेकर निचले तबके तक सभी को दुनिया परस्ती की बीमारी में घेर लिया है। बुजुर्गों ने तारीख में अपने अमल से कर दिखाया कि इंसान की जिंदगी और खासकर मोमिन की जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है, पर आज का मोमिन हजार साल जीना चाहता है, उसे पता ही नहीं लगता कि वो बूढ़ा कब हुआ और उसका वक्त खत्म हो चुका है। तब जाकर मस्जिदों की सीढ़ियों पर बैठ जाता है, जमात का जिम्मेदार बनने की कोशिश करता है, कौम की फिक्र उसे वजीफा याफ्ता होने के बाद होने लगती है। जब सरकारी अफसर या ऊंचे मकाम पर फाइज रहता है तब किसी कौम के अफराद के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार करता रहता है, पर रिटायर हो जाता है तो कौम की फिक्र होने लगती है, जमात का जिम्मेदार बनना चाहता है। शायद ही कोई माई का लाल हो जिसने ओहदे पर बैठकर किसी भाई की मदद की होगी। कहने का मतलब हर लिहाज से पोता है। आज अगर बात करनी है तो खासकर घर के बच्चों में तरबियत की जरूरत है। तालीम तो है पर तरबियत नहीं है।
इसका हामिया जा पूरा समाज भुगत रहा है। पहले घरों में बुजुर्ग हुआ करते थे जिनका डर हुआ करता था, घरों में बुजुर्ग मौजूद हो तो किसी की संपत्ति होने का एहसास भी होता था, तमीज तहजीब जैसे हर एक के चेहरे से छलकती थी। पर अफसोस आज खवातीन को टीवी सीरियल से फुर्सत नहीं, मर्दों को पैसे कमाने से तिजारत नौकरी से फुर्सत नहीं, बच्चों की तरफ तवज्जो देने वाला कोई नहीं। जाहिर है बेटी या बेटा कभी सहेली दोस्त के घर पढ़ाई के नाम पर गलत कामों में मुलविस होते हैं। आजकल की दोस्ती से तो अल्लाह हिफाजत फरमाए तो बेहतर है, लिहाजा दोस्तों सहेलियों के महफिलों में मजा भी आता है क्योंकि गुनाह में लज्जत होती है, पर लज्जत खत्म होती है और गुनाह कायम रहता है, इसका एहसास उन्हें नहीं रहता। आज भी सैकड़ों वाक्य जमातों में आते हैं तो गुनाह सहेलियों के साथ दोस्तों के साथ किया है, इसके असरात बाज़ वक्त दूर तक होते हैं और कभी कभी जिंदगी बर्बाद होने की वजह तक बन जाते हैं। क्या था पूरा माशरा सुधारने की फिक्र और कौम ऐसी है और कौम वैसी है, पर तब सरे मशवरे मीटिंगों को करने से बेहतर है हर घर के हर फर्द की तरबियत पर हम घर वालों को खुद के घर के बच्चों पर नजर रखनी होगी। पहला यही काम होना चाहिए कि अपने घर के अंदर हम किस तरह तहजीब से बच्चों को आरास्ता करने की कोशिश करें, वरना माशरे में नया ट्रेंड चल रहा है कि पूरा दिन रात दुनिया की फिक्र होती है, मोदी योगी से लेकर दुनिया के मुसलमानों को बचाने के लिए अर्तुगरुल गाजी बने हुए होते हैं खासकर मुस्लिम माशरे में। ये जुमला उमूमन बेलगाम में कहते देखा होता है कि हमारे लोग ऐसे ही है, हमारे लोग वैसे ही है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं, गिबत करने वाले वगैरह कहते रहते हैं। कट्टू पर बैठकर तुर्की अर्तुगरुल सऊदी अरब अमेरिका तक पहुंचते मोहल्ले की जमातों पर तबसरे होते हैं। कौम के हालत पर अफसोस करने की बजाय अपने घर के माहौल पर नजर सान करें क्योंकि माशरे की बुराई हमारे घरों से ही फैल रही है। गालिब ने कहा उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। इसी मजमून से ही मेरे खाता यह वाक्या बेलगाम में पेश आया। एक लड़की जो गाजियाबाद से 4 साल पहले गायब हुई थी बेलगाम में पाई गई, इस दास्तान को सुनेंगे तो वो छूट जाएंगे। लिहाजा बेलगाम पुलिस और खास कर एपीसी के सीपीआई जावेद मुशापुरी जिन्होंने इस मामले के तह तक पहुंचकर इसका पर्दाफाश किया। प्यार मोहब्बत नशा भी अजीब होता है, इसी मोहब्बत के नशे में डूबी एक लड़की अपने आशिक के साथ गाजियाबाद से भाग निकलती है, घर वालों को बताए बगैर सुनहरे सपनों को पूरा करने की और खास कर शौहर के साथ अच्छी जिंदगी जीने की तमन्ना लिए आशिक माशूक निकल पड़े। 15 दिन तक घूमते फिरते रहे पर अचानक प्रेमी ने प्रेमिका को रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ कर गायब हो गया। फिर फोन भी स्विच ऑफ हुआ। आप घर से तो निकल कर बाहर आए ही हैं, घर छोड़ कर आए हैं, घर वालों को बिना बताए भाग कर आए, ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की जमीन पर उतरी तो कुछ समझ में नहीं आया, घर नहीं जा सकती थी, लिहाजा गाजियाबाद से बंबई का रास्ता पकड़ना बेहतर समझा और बंबई के लिए निकल पड़ी। बंबई में कोई रास्ता कोई मंजिल नहीं, लिहाजा किसी औरत ने इसे पनाह देने की बात कही। अपनापन जताया जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हैं उसी तरह से इस मामले को आप देख सकते हैं। इस लड़की को डांस बार में पहले लगाया, फिर वहां से पूना के जिस पड़ोसी के बाजार में बेच दिया गया। पूना के औरत ने इसे अलग अलग जगह पर जिस पड़ोसी के लिए इसे बेचना शुरू किया। अलग अलग शहरों में ग्राहकों के मांग के हिसाब से मुख्तलिफ शहरों से होते हुए आखिर बेलगाम तक पहुंची। बेलगाम पुलिस को जब इत्तला हुई तो सदाच नगर के उस बंगले पर छापा मारकर 2 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अफसर विक्रम अमाटे और सीपीआई जावेद मुशापुरी ने वालिद को गाजियाबाद से बुलाया। महज 17 साल की उम्र में मोहब्बत के चक्कर में गलत कदम उठाया, आज उसकी उम्र 21 साल है, 4 साल किस कदर है गलती की कीमत चुकानी पड़ी। ये मिसाल है कि लड़कियां जवानी के नशे में कम उम्र के तहत गलत फैसले लेते हैं, उन वालिदैन पर क्या बीतती होगी जिसके परवरिश फूलों की तरह करने के बावजूद गलत रास्तों पर चलकर गलत फैसले लिया करते हैं। लिहाजा जब वालिदैन से मिली तो आंखों से आंसू ज़ारफ़तार बह रहे थे। ये भी बात उतनी ही सच है कि हर एक को इस तरह मौका नहीं मिला करता, लिहाजा नौजवान नस्ल को चाहिए कि तालीम और तरबियत और बुजुर्गों का मशवरा बहुत कीमती होता है। जब बड़े कहते रहते हैं तो आज के नौजवान लड़का लड़कियों को बातें अच्छी नहीं लगती, पर तजुर्बात बाजारों में नहीं मिला करते, इसके लिए बालों को सफेद करना पड़ता है। बादाम खाने से अकल नहीं आती बल्कि ठोकर खाने से अकल आती है अक्सर कहा जाता है। इसे मुहावरे के तौर पर होशियार वही है जो तरबियत और खौफ खुदा से अपनी जिंदगी बसर करे, क्योंकि तेज रफ्तार जिंदगी में गिरने वालों को कोई उठाने वाला नहीं मिलता, और यही सच्चाई। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।